فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربي يعلم أنك تقوى تمسكا بالنسبة وطائفة من الذين झगड़ो जोर से लगा पूरी लगा जोर से झगड़ो से आग लगाओ उसके अंदर से लाओ उसके आग लगाओ अंदर से तेजी के साथ कहाँ से आया था? शमशान का कब्रिस्तान कहाँ से लाए थे? कहाँ से? गौर से बोल, कहाँ से लाए थे? जाओ उसके हाथों पर उन्हें और आग लगाओ, उसको सब बीमारी पे डाल के मार दो बोले थे। गौर से बोल, हाँ या ना? गौर से बोल और गौर से। जला दूं पूरा? जलाऊं? छोड़ूं क्या नक्को छोड़ूं? छोड़ूं या नहीं छोड़ूं? जल्दी बोल। हाँ? क्या नाम है पेशेंट का? रेशमा को कहाँ से भेजे थे तुझे? रेशमा के आंग पर? शमशान से आया, कब्रिस्तान से आया? हाँ? कहाँ से आया? जोर से बोल, कहाँ से आया? जलाओ उसके अंदर आग लगाओ तेरे साथ। अच्छा, कहाँ से आया था? जलाओ जलाओ, छोड़ो मत उसको। कहाँ से आया था? रेशमा के आंग पे, शमशान से, कब्रिस्तान से। उसको जलाते रहो, उसके अंदर आग लगाओ तेजी के साथ। जब तक उन्हें नाम नहीं बयान करेगा जब तक उसको जलाते रहो। अल्लाहुम्मा फ़अद الصبرات والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني أدعو إليك في هذه الحياة أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني الله نصف عينك تكلني الله نصف قربني الله الشرب المغالي وإني لا تكل الله رحمتك فجل عندك أحد توفي عندك أحد توفي الله يرضى عنك لا تقل فيه عدو وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد ولصحابه أجمعين برحمتك يا الراحمين। जलाओ उसके हाथों पैरों में तेजी के साथ आग लगा दो। हाँ, तेजी के साथ आग लगाओ उसके अंदर, छोड़ो मत उसको, ना लगाओ उसको। उसके हाथों बहुत टेढ़ा कर रहा था उन्हें, तो बारिश की बीमारी बता रहा था। उसके हाथों में आग लगाओ, उसके पैरों में भी आग लगाओ। أوزد عليه رتل القرآن ترتلا سنلقي القول ثقيلا إنا ناشية الليل عشية وضمعت والقلب إنا لك في النهار صباحا ثقيلا وأذكر اسم ربك وقبل إليه تبتلا رب فاغفر لا إله إلا أنت الوكيل واصبر على ما يقولون وهل يمين وذرني والمكذبين أولي النعمة والمخالفين إنا لدينا أنكالا ولمتنصق الصدق وأصحاب الجحيم يوم ترى أرض الجبال أشقت السعير إنا أرسلنا إليهم رسلا شاهدا يوم يجعلون تجري السماء فتنبت كان وقته مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم وتمسك بالقسط وطائفة من الذين معك والله فاقم وأقم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه إن الله خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم جلال उसके अंदर जाओ और तेजी से आग लगाओ जरा उसको छोड़ो मत उसको ना लाओ كان وضه مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم بنصف الرسل ثم الطائفة من الذين معك والله معاك فاقم وأقم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير إن الله خير وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم उसके अंदर तेजी से आग लगाओ और तेजी से आग लगाओ जला रहे होते हैं साथ में जलाओ उसको और तेजी से जलाओ उसके हाथों में पैरों में सब आग लगाओ और तेजी से आग लगाओ क्या क्या तकलीफ दे बोले थे हाँ जोर से बोल क्या क्या तकलीफ दो बोले थे जलाओ उसके हाथों में भी आग लगाओ क्या तकलीफ दो मार दो बोले इसको मार दो बोले भाया ना मारो बोले कब मारो बोले थे पास में बुकनम में कब मारो बोले थे उसको, झगड़ो उसको अंदर से और तेजी के साथ झगड़ के हाथ लगाओ काटो में दोनों, काट के बोलो दोनों हटा दोनों काट के, हाँ हाँ या ना, हाँ या ना, लू काट कर, हाँ रेशमा बेगम को कब मारो बोले अम्मास में पूनम में, हाँ कब मारो बोले छोड़ेंगे तो नहीं तुझे, जब तक तू सवाल का जवाब नहीं देगा जब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। बाप का राज चल रहा तेरे पैसा, हाँ बता बता कहाँ से लाए थे तुझे शमशान कब्रिस्तान, हाँ काट लूं। तू उसको तकलीफ दे रहा था, उसके दोनों हाथों पैर में तकलीफ दे रहा था, फालिश ला लिया था उसके हाथों पैरों में, हाँ चलने नहीं दे रहा था उसको, जबान से बोल, हाँ हाँ उसको दवा गोली कार नहीं करने दे रहा था उसके ऊपर, कितने भी दवाएं खिला रहे तो कुछ फर्क नहीं होने दे रहा था उसकी तबीयत में, 1% का फर्क नहीं होने दे रहा था, चलने भी नहीं दे रहा था उसको, उसके पैरों पर पॉलिश कर दिया था, लकवा कर दिया था उसके पैरों पे, हाँ पैरालाइज कर दिया था उसको, हाँ घर में की बरकत भी उड़ा दिया था पैसे की, हाँ घर में किरकिरिया भी लगा रहा था उसके, हाँ हाँ और इसको मार भी देने का था अम्मास में पूनम में, कब मारना था, कब अम्मास या पूनम कब मारना था, अम्मास या पूनम कब मारना था, हाँ कब मारना था उसे, अरे अरे अम्मास पूनम, हाँ मौका देख के मार देने का था, हाँ भाई साहब जलाओ उसको, अरे 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 इसको किस चीज में खिलाकर जादू करे, हाँ रेशमा को किस चीज में खिलाकर जादू करे, खाई में खिलाए थे जल्दी बोल छोड़ मैं पूरा जला दूंगा, खाई में खिलाए थे इसको, ऐसा ही तड़पा के मार देने का था, हाँ ऐसा ही बीमारी पर डाल के तड़पा के मार देने का था, हाँ जबान से बोल, हाँ या ना, हाँ अच्छा, और अंदर की सारी दवा का बेअसर कर दे रहा था, दवा को तू ही खुद असर नहीं होने दे रहा था उसके ऊपर दवाई का, हाँ हाँ जोर से बोल, कितने साल से परेशान कर रहा था उसको, कितने साल, इतर लगाओ नाक में दम करा के, कितने साल, जलाओ अब इसके 2 टुकड़े कर देंगे, इसके हाथा पांव काट के लेके बाहर टांग देने का सोच रहा हूँ मैं, ले लू क्या काट कर वो दोनों हाथा पैरा तेरे, हाँ लोगों की आंगों में घुसकर सताता, वैसा पॉलिश कर देता उसको, लकवे की बीमारी पर डाल देता, पैरालाइज करके नाक में लगाओ, रेशमा का जादू करते थे हम पे, क्या लेकर गए थे, बाल लिए थे क्या, कपड़ा लिए थे क्या, मट्टी पैर के नीचे क्या लिए थे, जबान से बोल, जबान से क्या लिए थे, याद नहीं आ रहा अभी तुझे कुछ भी कमी नहीं, हाँ खाली तुझे इतना मालूम उसकी जान लो बोलकर बोले आला, तुझे इतना मालूम है ना, हाँ कैसा करूँ, काट दो तुझे पूरा, जोर से बोल, हाँ या ना, चल मेरे सवाल के जवाब दे, अभी छोड़ दूंगा, चल बोल जल्दी सवाल के जवाब दे, रेशमा पर जादू किए तो कहाँ से किए थे, शमशान से, कब्रिस्तान से, कहाँ से, जोर से बोल, जोर से, आगे से ले बोल रहा हूँ ना, कहाँ से लाए थे तुझे शमशान कब्रिस्तान, रेशमा के आंग में कहाँ से लाके डाले थे? कहाँ से? कहाँ से? शमशान कब्रिस्तान? क्या? क्या था वो? क्या था? क्या था? क्या था? क्या था? चलो इसको बंद कर दो, इसको ना ला, चल एक मौका दे रही, याद नहीं तुझे अभी कोई डाले तो? हाँ? जोर से बोल। चल सब याद करके आजा, दूसरी चक्कर तक सब याद करके आएंगा। कौन डाले थे उसके अंदर, कहाँ से आया था शमशान कब्रिस्तान, कितने लोगों ने डाले, सब याद करके आएंगा। सुना क्या? हाँ चल सब बातें याद करें आना दूसरी चक्कर तक। चलो इसको बंद के डालो, जब तक जंजीरें डालो इसके ऊपर और इसकी सारी शक्तियों को खत्म कराओ तेजी के साथ में। सब याद करके आएंगा, सब याद करके आएंगा। सुने आया? सुने आया? हाँ सब याद करके आएंगा। चल दूसरी चक्कर तक सब याद करके आना कौन डाले तो। चल चल निकाल अमीना, चल और जा जल्दी भाग बाहर। चल लो छोड़ दे तो। अरे रेशमा बेगम क्या होगा ये जो मसला है, हिंदी समझती के? हिंदी समझती ना? हिंदी हिंदी ये जो मसला है देखे ना, खिला के करके तो छोड़ दो, जादू टोना करके पॉलिश कराए थे पैरालाइज, इसलिए उनको चलने नहीं आ रहा था और ये सब तकलीफ। और तुमने दवा गोलियां भी करे बहुत सारे, उनको असर नहीं होने दे रहा था, बोला ना उसने असर नहीं होने दे रहा था। इससे पहले घर पे हाजिर हुआ क्या कभी? हाँ क्या बोला हाजिर होकर? वो दरगाह पे जाते थे ना अपना गैमजा मुल्क साहब, वहाँ पे हाजिर होता था। क्या बोला? सवाल जवाब, सवाल जवाब हाजिरी जाती, हाजिरी आती थी, घूमता था और ये पैरों का कब से हुआ? ये हाथों का पैरों का ये 15 साल से है, हाथ पैर का। और वो कब से आ रहा था अंग में? उससे पहले से आ रहा वो नीच करा वो, और वो तंत्र मंत्र जादू टोना जो गिरता वो करा के वैसा कराया गया मतलब याद से, क्योंकि दूसरे लोग अंगूठे ले लो उनके, ये ले लो। फिर उसके बाद में क्या बोलते थे? इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से बताओ उस तरीके से अमल करो तो बढ़ जाएंगे। ये जो मसला है ये उनको पहले से कुछ हाजिरी वगैरह कुछ आगे घूमता था सिर्फ, और कौन डाले थे कहाँ से आया था इनको भी कुछ पता नहीं और कुछ नहीं, इतना नहीं करता था, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का घूमता था दरगाहों पे। अब यहाँ पर बयान कराए किसी कदर बयान करा उसने कि ये पैरों का शिकायत, ये जो पैरालाइज करा पैरों को हाथों को, नीचे बैठने नहीं, चलने नहीं आ रहा, उठने नहीं आ रहा उनको, तो ये इसने करा ये बला ने, और ये खुद ब खुद नहीं आकर करा, इनको छोड़कर किसी ने जो खेल रहे थे अमल जो लगा कर इनके पीछे वो सब उसे करके हरकत उनको ऐसा कराए थे कि जान लेने के लिए, और उसको मौका दे दिए थे कि जान ले लेते, वो टाइम करीब आ गया वाला था जान लेने का, तो इसलिए वो अब नामा बताने में कतरा रहा था। अब नामा बता दूंगा तो फिर इन रोक देंगे, पाबंदी लग वैसे भी उस पर पाबंदी लगेगी दूसरे राउंड तक इंशाअल्लाह ताला, उससे नाम वाम सब कुछ आ लेंगे कौन डाले थे क्या डाले थे, क्योंकि उसको पहले राउंड में उसको मौका दिया जाएगा नाम याद करके आने का। उन्हें अगर नाम याद नहीं करके आया तो फिर उसको 2 टुकड़े करके बाहर टांग देंगे, उसके लोगों के जाना ले रहा है, इससे बेगुनाह लोगों को परेशान कर रहा, इसी के बाप का राज चल रहा है नाला है। और दूसरी बात खुद ब खुद नहीं आया वो, लाकर छोड़े थे लगाकर। और ये लोग जो है तो कहाँ से आए थे? कौन सा गाँव? राजस्थान से आए, बाड़मेर से, पाटोदी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, पाटोदी राजस्थान से आए वाले उन्होंने बाड़ो डिस्ट्रिक्ट XYZ वहाँ से। और ये जो हरकतें हैं ये खुद को नहीं रहते, बहुत सारे जो दास्तान रहते हैं ये अमल अमलियात से। अब अपने को लगता कि भाई पैरालाइज है पेशेंट के हाथ पाँव काम नहीं कर रहे, दवा गोली खिलाओ खिलाओ, एक हद तक दवा गोली काम करती, जहाँ दवा गोली काम करना बंद कर दी तो वहाँ समझ जाना वो वार किसी और दुनिया के चल रहे। वो रूहानियत पे वार है, तो रूहानियत को राइट करना पड़ेगा तुम्हें। वो शरीर पे जाहिर होते हैं उसके असर, और शरीर पे जो रहता बीमारी वो तो दवा गोली उसको राइट कर देती, बट रूहानियत के वारों को दवा गोली कैसे राइट करनी है। बहुत सारे उसके डिफिनेशन, बहुत सारे बाल से बारीक बातें हैं, सबका निचोड़, सबका हल एक ही चलता, अल्लाह का कलाम। देखे ना, कलाम इलाही पढ़ने वाली जबान में, और कलाम बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह की तुम्हार पे नियामत और आजमत, बहुत बड़ी रहमत नाजिल वाली है। हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये मेरे रब का तुम्हारे ऊपर फजल हुआ। लोगों, जो अल्लाह ने तुम्हारा कलाम इलाही दिया, तो कलाम इलाही को पढ़ो, उसका फैज़ हासिल करो। हर वक्त एक मुकर्रर करो, कोई भी एक टाइम, सुबह शाम दोपहर का कोई भी वो टाइम में 10 मिनट 5 मिनट कोई भी एक जिक्र कुरान की आयत या सूरा पढ़ा करो। तो पढ़ने से तुम्हारी रूहानी मजबूत होना चालू होती, तुम्हारी रूहानी अगर पावरफुल है तो तुम्हारी बॉडी अगर पावरफुल है, तुम पहलवान है, बिल्डर है, तो तुम्हारे को बीमारी कार नहीं करती, जल्दी पकड़ती नहीं बीमारी। वैसे ही तुम्हारी रूहानी अगर मजबूत है तो तुम्हारे को जादू टोना, गंदे अमल अमलियात, जिन्ना शैतान तुम्हारे नजदीक आ नहीं सकते, जल्दी तुम्हारे को पकड़ नहीं सकते। जैसा कि वायरस कमजोर इंसान को जल्दी पकड़ ले रहा और ताकतवर इंसान को नहीं पकड़ता, तो वैसा शैतान जल्दी जिसकी रूहानी कमजोर रहती है उसको पकड़ लेते। जिसकी रूहानी इबादत में मशगूल है, पावरफुल है, जिक्र करने में, उसको नहीं पकड़ सकते हो। तो इसलिए तुम ज्यादा से ज्यादा जिक्र अस्कार करा करो लोगों, कुरान पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, रहमान पढ़ो, तुम सूरत जो आती वो सूरत पढ़ो। तुम उसका एक ताकत पैदा होंगे तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूहानी चार्ज होते रहेंगी। तुम्हारा मोबाइल कैसे बैटरी लगा के चार्ज करते हो, चार्जर लगा के, तो सब तुम्हारी रूहानी चार्ज। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और कैसा ही ज़माने में बच के चलो, ये ज़माने में जगह जगह फितना रंगेज लोग बैठे आले हैं, जगह जगह फितने डाल रहे, कौम के भी अंदर, दीन के भी अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे। उन नालायकों पे अल्लाह की लानत नाजिल हो, और अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामो। औलिया अल्लाह का दामन नहीं छोड़ना, बुजुर्गान दीन का, वली अल्लाहों का। अल्लाह ने खुद कुरान में फरमा दिया ना, पढ़े तो तुमको पता चलेगा बहुत सारी बातें। कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।